उस पर आज निर्णय हुआ। मुझे खुशी है ये जाहिर करते हुए कि उत्तर प्रदेश में आपसी समन्वय से, चर्चा से यह निर्णय लिया गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यहां पर उत्तर प्रदेश में 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और इस गठबंधन के तहत अन्य जो बची हुई 63 सीटें हैं इन पर इंडिया गठबंधन के जो भी उम्मीदवार, समाजवादी पार्टी के, अन्य दलों के भी जो कि इसमें समावित होकर इस गठबंधन में शामिल होंगे, उनका हम सब में डटकर मुकाबला करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देंगे। मैं राष्ट्रीय कांग्रेस के हमारे सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, समाजवादी पार्टी के हमारे सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का इसके लिए विशेष आभार मानता हूं कि दोनों आदरणीय नेताओं ने पूर्ण विश्वास के साथ और आने वाली उत्तर प्रदेश की राजनीति को मद्देनजर रखते हुए एक दूरगामी लक्ष्य को सामने रखकर इस गठबंधन को अपनी मान्यता दी और साथ ही हमारे उन सभी समिति के कमेटी के सदस्यों का मैं विशेष रूप से आभार मानना चाहूंगा। समाजवादी पार्टी शुरू से ही चाह रही थी गठबंधन हो, लेकिन थोड़ी देरी हुई है क्योंकि हमारे यहाँ पर सामने भाजपा खड़ी है, लेकिन इस बात की मैं सभी समाजवादी पार्टी के लोगों को और कांग्रेस के लोगों को बधाई देना चाहती हूँ कि गठबंधन आखिरकार अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गया है और आप देखेंगे कि इसके परिणाम बहुत ही अच्छे होंगे और सब लोगों का समर्थन मिलेगा, क्योंकि आज जो है हमारे जो चार स्तंभ जो आप भाजपा कह रहे हैं कि हमारे युवा हैं, हमारी नारी हैं, हमारी किसान हैं और हमारे जवान हैं, तो इन चार स्तंभ पूरी तरह से आक्रोशित भी हैं, दुखी भी हैं, निराशा में भी हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले चुनाव में लोग आपको भाजपा के साथ तो दिखाई देंगे लेकिन वोट वो गठबंधन को ही करने जा रहे हैं। गठबंधन